जैसा कि हमने बताया था, हम निकल गए हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी देखने के लिए। ये अराउंड 80 किलोमीटर दूर है फ्रॉम म्यूनिक, कॉफबॉरन। ये जगह इसलिए हमने चूज़ करी है, पहले तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही पास है एल्प्स के, दूसरी बात मेरा जो ऑफिस है वो इसी सिटी में है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स ने हमें बताया, हमें घर इतना अच्छा लगा क्योंकि ये फ्लैट्स नहीं है, ये रॉ हाउसेज है, तो मतलब आपको पूरा का पूरा घर जो है वो मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको दो हाउसेज दिखाएंगे, एक जो इनका स्मॉलेस्ट वन है और एक जो है वो अराउंड 133 स्क्वायर मीटर का है, जो कि 3 फ्लोर का घर है, तो वो हम आपको दिखाएंगे और उसी में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उसके प्राइस लिस्ट वगैरह हम आपको लास्ट में बताएंगे क्योंकि हमने उससे बोला है कि हमें भेजो, पर हम बताते हैं कि क्या है एरिया। दिस वन इज देयर मॉडल हाउस जो ये हमें दिखाएंगे। Attractive part of the This is the color जो ये stairs नीचे आके and then we entered here। वो जो small houses हैं जो ये लोग बोलते हैं piano houses, अगर आप इनसे बात करोगे तो उसमें सब नहीं बिके हैं, जो मिडिल वन है वो नहीं बिके अभी, तो वो आप लोग देख सकते हो। इंटरेस्टेड हो आप लोग, आप इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑफ कोर्स डाल दूँगी, तो वो आप देख सकते हो, बाकी हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जो आपको ये पीछे दिख रहा है ये है रॉ हाउस, और उनका एडवर्टाइजमेंट भी लगा हुआ है मिस्टर हाउस करके, वो उनका मॉडल हाउस है। तो मॉडल हाउस में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। ये जो है ये नेक्स्ट ईयर तक जो है वो रेडी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी समर तक, मतलब इस टाइम तक रेडी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उस साइड चल रहा है, दैट साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो दे सेड कि एक साल में हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपना, मैं बोल सकती हूँ ड्रीम हाउस, क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रही हूँ, मैंने घर ऑलरेडी देख लिया, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम हाउस टू मी। तारा लेट्स गो। तो यहाँ पर ऐसे घर हैं, 1, 2, 3, ये मिडिल वाले हैं, वो कॉर्नर वाले हैं, और ये पूरा घर है। ये इंट्रीगेटेड है सब कुछ, तो अलग से कुछ नहीं है। ये वॉशरूम है, किचन है, हॉल है, एंड देन डाउन में सेलर और एक रूम होगा, देन ऊपर भी चलते हैं। वीडियो कॉन्फिगरेशन इज आल्सो पॉसिबल।
सो ये जो है ये गार्डन हाउसेस हैं. दिस इज द कैलर. ओके, तो हम फाइनली विज़िट करके आ गए हैं और उसने मुझे प्राइस लिस्ट भी भेज दी है जो मैं अब आपको बताता हूँ कि इन जो घर रहे हैं इनकी प्राइजेस क्या है. तो हमने दो घर देखे थे, पहला छोटा वाला जो था 115 मीटर स्क्वायर का टोटल. तो उसकी और भी डिटेल्स हैं कितने मीटर स्क्वायर का क्या था, उसकी मैं डायरेक्ट प्राइस पर आता हूँ. तो उसकी प्राइस है इंक्लूसिव एवरीथिंग, सारी चीज़ें, एक जो बेसमेंट में पार्किंग है वो सब मिलाकर 554,700 यूरोज़, ये टोटल प्राइस है. सो अप्रॉक्सीमेटली 550K, विच इज़ वेरी गुड आई वुड से. तो ये हो गया पहला वाला. अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाला जो हमने देखा था, जो कि बड़ा अपार्टमेंट था, फर्निश्ड था, जिसकी बहुत ही कम यूनिट्स अवेलेबल हैं. वो था टोटल 132 मीटर स्क्वायर का, वो उसका टोटल साइज़ था. वो रो हाउस अगर आप बीच में लेते हैं और वो पड़ेगा आपको 600,000 यूरोज़ का, अप्रॉक्सीमेटली 600K का, इंक्लूसिव एवरीथिंग, सारी पार्किंग सब कुछ मिलाकर. उसी में जो कॉर्नर हाउस था, जो रो हाउस में बड़ा वाला कॉर्नर हाउस था, उसमें थोड़ा एरिया और एक्स्ट्रा है, बाहर का गार्डन एरिया, और वो पड़ेगा 664K का. तो अप्रॉक्सीमेटली 650K का पड़ेगा आपको बड़ा वाला जो हाउस है वो. तो ये वो वाला घर है जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि बेस्ट चीज़ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, और जो एरिया है ना गार्डन एरिया वो एल शेप में ज़्यादा स्पेस मिलता है. कॉर्नर हाउस है उसकी वजह से साइड में विंडोज़ ओपन होती है तो ज़्यादा लाइट रहती है सारे फ्लोर्स के ऊपर, और व्यू बड़ा अच्छा है बाहर की तरफ से. और हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है आप जाके प्रॉपर्टी देख सकते हो. उसमें बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, हमारे रेफरल से कुछ नहीं होगा, कोई किसी का कोई वो नहीं है इसमें कमीशन. बीच में डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बिल्डर, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो. बाकी जो एजेंट्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लाते रहेंगे फ्यूचर में, हम शायद प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक एक और प्रॉपर्टी विजिट करेंगे और वो आपको फिर दिखाएंगे.